बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद वादा। आज मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरी अम्मी ने हमें ईद भेजी है। ब्रेड जो मैं आपको हर दफ़े दिखाती हूँ, जेलबरी है ब्रांड की, कपड़े अम्मी ने ईद दी है। बाकी चूड़ियाँ और ये वो तो आपको पता होती होती है। कुछ मैंने रेडीमेड भी लिए हैं, वो भी मैंने जेलबरी से ही लिए हैं, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह जो हमने ईद पे पहने हैं, क्योंकि अब ये स्टिच नहीं होंगे तो इस वजह से फिर मैं जब ये सिलवाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो सोचा मैं जो ईद हमें मिली है वो आपके साथ शेयर करूं। तो टाइम ज़ाया किए बिना हम आपको दिखाना चाहती हूँ आपको ड्रेसेस। ये मेरी मदर ने मुझे दिया है, तो ये कलर मुझे बहुत पसंद है, इससे मिलता जुलता मैंने ये देखे पहना भी हुआ है। तो ये भी खाड़ी का था प्रिंट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले ड्रेस से। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया, इसके साथ मुझे वाइट, इसके साथ सारी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने वाइट वगैरह वाली, मतलब चूड़ियाँ और ये सब इयर रिंग्स वगैरह वाइट हैं। और ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया, इसके साथ मुझे वाइट, इसके साथ सारी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने वाइट वगैरह वाली, मतलब चूड़ियाँ और ये सब इयर रिंग्स वगैरह वाइट हैं। और ये देखिए, ये ज्वेलरी से लिया था, ये है तकरीबन 2200 का, ये न्यू अराइवल में से ही हैं सारे। तो जब मैं इंशाल्लाह आपको सिलाऊंगी तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इस ईद की ये इन चीज़ों की बड़ी खुशी होती है, चाहे वो आप करोड़पति हो, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन जो माँ की तरफ से या भाइयों की तरफ से आपको ईदी आती है, आप चाहे लाखों का ड्रेस ईद के लिए बनाएं, लेकिन जो ये वाली ईदी की जो खुशी होती है ना, ये एक अलग ही होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी ही आपको भी ईदी मिली है, या आपका एक्सपीरियंस है कि जब आपकी ईदी आती है तो आपको क्या फीलिंग होती हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये देखें, ये ऑल ओवर प्रिंट है, ये देखें, पैरेट ग्रीन और डार्क ग्रीन का कम्बिनेशन है, साथ ऑफ वाइट्स है, और इसके नीचे ये बॉर्डर है। ये देखें, और ये इसकी स्लीव्स है, ये बॉर्डर और ये स्लीव्स है। इसी तरह ये बैक और फ्रंट जो है, ये बैक, ये फ्रंट के ऊपर भी इसी तरह का बॉर्डर है, और बैक पे भी ये देखिए इसी तरह का बॉर्डर है। इसकी इसका ट्राउज़र जो है वो प्लेन है, इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, जो स्लीव्स में और इसका दोनों में डिज़ाइन है उसको मिला के और बॉर्डर को मिक्स करके, ये देखिए ये इसकी ओवरऑल लुक है। थोड़ा एम्ब्रॉयडेड है और थोड़ा उसमें आ जाता है ईद में, ईद की लुक में। तो ये देखिए, ये भी मेरी मदर ने ही मुझे गिफ्ट किया है। इसके ऊपर ये सारी, ये देखिए, ये सारी जगह पे ये जो नेक लाइन है सारी एम्ब्रॉयडेड है, ये वाली, उसके ऊपर इतना नफीस काम हुआ है, ऑरेंज ग्रीन और शॉकिंग पिंक का कंट्रास्ट है, और शॉकिंग कलर के इसके ऊपर ये लगे हुए हैं मिरर, और नीचे ये सारा प्रिंट है, और नीचे ये बॉर्डर है। उन्होंने इसका फ्रंट और बैक लैदा लैदा सेपरेट काट के दिए हैं, और ये इसका सिंपल जैसा ये है वैसा उन्होंने ये बैक दी है। ये देखिए, बैक के ऊपर वही थोड़ी सी ये बॉर्डर है, और वो, और इसी में इनकी स्लीव्स भी हैं, और ये इसका ट्राउज़र पे जितनी गले पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी, जो एम्ब्रॉयडरी हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई वही बारीक सी लाइन उन्होंने इसके ऊपर कर दी है, और छोटी छोटी सी ना ये देखें बूटियाँ सी बना दी इन्होंने इसके ट्राउज़र पे। ये ज़ेलबरी की ईद कलेक्शन में से लिया था।
उसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, जैसा उन्होंने उसमें बॉर्डर ये वाला नेकलाइन में दिया था ऐसे ही उन्होंने बॉर्डर उसके ऊपर दे दिया है, गले गले वाला डिज़ाइन उन्होंने इधर दुपट्टे पे दे दिया। और इसमें भी ये बड़ा कलरफुल सा सूट है, और इसकी ये कीमत, इनकी कीमत ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये मेरी अम्मी ने दिए हैं, क्योंकि बाबा नहीं हैं तो अम्मी करती हैं। और फिर अपने शोहर के घर में जब आपके माँ बाप के घर से ईद आती है तो उन चीज़ों की तो बहुत वैल्यू होती है। तो अल्लाह ताला सबके घरों में सबके माँ बाप को सलामत रखे, भाइयों को सलामत रखे। अल्लाह ताला आप लोग जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या मुझे मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो नई भी हैं, सबके घरों में सबकी बेटियों को अपने घरों में आबाद रखे और उनके माँ बाप ऐसे ही खुशियों से आए, आमीन। अच्छा ये खाड़ी का ड्रेस है, ये खाड़ी से लिया है, ये भी मैंने खुद ली है। ये है, ये भी खाड़ी का न्यू अराइवल में से है। तो इसकी देखिए ओवरऑल लुक ये है, ये बड़ा डिसेंट सा पीची पिंक सा, और इसके ऊपर स्किन और गोल्डन सी कढ़ाई हुई है, सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये मुझे मिला था 2890 का। ये देखें अब ये 2 पीस है, शायद आपको नज़र आ रहा हो लाइट की वजह से ना नज़र आ पाए, लेकिन ये 2890 का है, 2 पीस सूट है, और ये खाड़ी के न्यू अराइवल में से है। और इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी कढ़ाई हुई है, ये देखें और खाड़ी के फैब्रिक का भी आपको पता ही है, वो तो मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन इस बार मैंने बस कम ही शॉपिंग की है वहाँ से। इंशाल्लाह कुछ तबीयत की वजह से और कुछ रमज़ान की वजह से जा नहीं सके, तो बस जो जाता था, जब हम इस तरह इकट्ठी होके जाती हैं तब ले आते हैं। ये देखिए ये इसके बाजुओं का उन्होंने दी हुई है कढ़ाई के लिए, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी की अलग से पट्टी दी हुई है। ये इसकी शर्ट का बॉर्डर है, और इसके ऊपर ये देखें, ये इतनी बारीक और इतनी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी के साथ इसमें सीक्वेंस का काम हुआ है, और ये सेल्फ प्रिंट है, इसमें लाइनिंग है सिल्वर और गोल्ड में। और इसका ये ऑल ओवर ये बैग, आप इसकी इस वाली जो ये वाला उन्होंने लहदा से बॉर्डर दिया, आप इसको उसकी बैग पर भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी पिल्ला वर्क हुआ है, और ये बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये मुझे वैसे भी बड़ी इनके खाड़ी वालों के कपड़े पसंद है, ये इसकी शर्ट है, ये इसका ट्राउज़र है, दाम उतने कम होते हैं। और वैसे भी समर के, विंटर में मुझे इतने ज़्यादा कपड़े मज़ा नहीं आता देख के, जितना मुझे समर लॉन के कपड़े ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसका है न्यू अराइवल का, हाँ जी ये वो बाजू का प्रिंट। अच्छा लास्ट सूट मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी बेलबरी का, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये इसकी प्लेन शलवार है, ये इसकी शर्ट का फ्रंट है, इसके ऊपर ये वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये बड़ा ही ब्लूश ग्रेश जो मिक्स कलर होता है ये वो है। ये देखें ये सारा ये प्रिंट है, यहाँ भी प्रिंट है, ये जो सारी है ये वाला जो है यहाँ तक पूरी रेलबरी की, मैंने देखी है कि उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना वो बहुत नफीस होती है, और इतनी उनकी प्राइस नहीं, उनके ऊपर सेल नहीं है वो लोग लगाते, लेकिन उनकी जो कपड़े की क्वालिटी है, क्योंकि मैं पहले बहुत खाड़ी पहनती थी, मैं जेलबरी इस साल मैंने ख़रीदा है, और एक मैंने सूट पिछले साल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तब तो मैंने वो इनकी मैंने लॉन ट्राई की थी, लेकिन उनका ना कलर फेड होते हैं और ना ही इनकी वो लॉन ख़राब होती है, तो ये बहुत अच्छा है। इनके दुपट्टों का मुझे थोड़ा, इनके ट्राउज़र का स्टफ इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये इनका ऑल ओवर ये बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप एम्ब्रॉयडर्ड भी ले लो तो वो रीज़नेबल है। इनके मैंने कल मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी जो मैंने इनके रेडी टू वेयर लिए, वो भी बहुत अच्छे कपड़ा है, और वो मैंने 2 पीस लिए हैं, मैंने उनके साथ वाइट ट्राउज़र लिया है, और वाइट ट्राउज़र वैसे भी घर होते हैं। ये इसकी बैग है, ये देखें, और ये इसकी स्लीव्स हैं, ये स्लीव, ये देखें,
ये जिस दिन आपको ये इतनी फाइन लोन है, ये हाथ लगाने से पता लग रहा है कि ये बहुत अच्छी लोन है इसकी। अच्छा अब हम आते इसके दुपट्टे की तरफ। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, और ग्रे और ब्लैक और इसका जो ब्लू ब्लू सा प्रिंट है इसके ऊपर, उसका इन्होंने ये देखिए बॉर्डर दिया है, और दुपट्टे भी अच्छे खासे बड़े होते हैं इनके। और ये इसके ऊपर सेल्फ प्रिंट हुआ है, और ये है, ये देखिए इसकी ओवरऑल लुक क्या है। ये ज्वेलरी का है और इनके ऊपर टैग लगे हुए हैं, और ये मैंने लिया था 2690 रुपये का ये। और ये भी न्यू अराइवल में से है। इंशाल्लाह जैसे ही ये मेरे तैयार होके आएंगे, सिल के आएंगे, तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी। मुझे दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला सबके भाइयों को, सबकी भाभियों को, सबकी माँ को, बाप को, सबका साया सबके सरों पर सलामत रखे, हर बेटी को अपने घर में आबाद रखे, और अल्लाह अपने हबीब के सदके, आप बच्चियों के सदके मेरा घर भी आबाद रहे, मेरे बच्चों की ज़िंदगी सेहत सलामती हो। अल्लाह ताला ने मुझे 10 साल के बाद ये बेटा नवाजा है। मेरी बेटी के लिए दुआ किया करें, रमज़ान है, आखिरी अशरा जा रहा है, आखिरी बल्कि चांद रात कल या परसों हो जाएगी। तो मेरी आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने मुझे 10 साल बाद बेटा अता किया है, बड़ी रोज अल्लाह ताला से मेहनतें करके, तो अल्लाह ताला मेरे बच्चे की ज़िंदगी करे, सेहत सलामती करे, मुझे और मेरे शोहर को उसकी खुशियाँ देखना नसीब करे। हर माँ बाप की दुआ होती है कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ और उनका अच्छा मुस्तकबिल, खासकर मुझे उसको अपने बच्चे को दीन और इस्लाम की तालीम देने में मेरी अल्लाह ताला मदद करे, आमीन। आप सब बहनों का शुक्रिया, जो जो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।